हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम सिम्पसन इंडेक्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि इकोलॉजी के स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अब यहाँ पर हम किसके बारे में देख रहे हैं, जो मेन हमारी हेडिंग है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले स्पीशीज के बारे में बात करूं, तो स्पीशीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, उनको हम एक स्पीशीज में रखते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। समझो, मेरे पास दो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी। मैंने कहा कम्युनिटी ए में मेरे पास तीन स्पीशीज मौजूद है और कम्युनिटी बी में मेरे पास तीन स्पीशीज मौजूद है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स समझो इतने प्रेजेंट है, हर एक स्पीशीज के इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। और इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल हर स्पीशीज के इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो लगभग सेम है। ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी बी में दिख रहा है 50, 45, 55, काफी सिमिलर है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो स्पीशीज है वो कैसी है, इवन है। हर एक स्पीशीज में लगभग इंडिविजुअल नंबर सेम है। और इस कंडीशन में मैं बोल सकती हूँ कि जो यहाँ पर मेरी कम्युनिटी है वो डाइवर्स है। मतलब डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है, हर एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल नंबर हो वो लगभग इक्वल हो। वहीं यहां पर अगर हम ए कम्युनिटी में देखें, उसमें ए जो है वो 10 इंडिविजुअल है, बी में 100 इंडिविजुअल है, सी में तो 500 इंडिविजुअल है। तो ये कहीं से भी स्पीशीज इवननेस नहीं दिखा रही। वहीं यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, डोमिनेंस देखने को मिल रहा है कि जो सी स्पीशीज है वो कितने ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डोमिनेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा डाइवर्स के। अगर कोई कम्युनिटी जो है उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है तो डोमिनेंस नहीं दिखेगा। और किसी कम्युनिटी में अगर आपको किसी स्पीशीज का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है तो उसमें डाइवर्स नहीं देखने को मिलेगा। अब यहीं से जो है हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जिसको बेसिकली हम यहाँ पर बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स। आइए इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। यहां पर आपके सामने सिंपली बात रखी गई है, यहां पर आपको बेसिकली कहा गया है कि आपके पास स्पीशीज रिचनेस और यहां पर स्पीशीज इवननेस क्या होता है। तो स्पीशीज रिचनेस का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ए कम्युनिटी और बी कम्युनिटी है, इसके पास तीन स्पीशीज है, इसके पास तीन स्पीशीज है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम लेवल पे हैं स्पीशीज रिचनेस के। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है, एक कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है। अब समझो मैंने कहा इसके पास यहाँ पर जी एच आई तीन स्पीशीज और होती, तो फिर उस कंडीशन में ए जो कम्युनिटी है वो ज्यादा रिच होती है स्पीशीज के मामले में। तो स्पीशीज रिचनेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस का बेसिकली मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। और इवननेस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी स्पीशीज यहाँ पर हैं उनमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हैं। अगर सब में लगभग इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो वो स्पीशीज इवननेस कहलाएगी एक कम्युनिटी में। इतनी चीज हमें यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुकी है। अब यहां से पॉइंट आता है सिम्पसन इंडेक्स का, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का। एक्चुअली जो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है ना, वो हमें यहाँ पर किसके बारे में बताता है, वो हमें डोमिनेंस इंडेक्स के बारे में बताता है। डोमिनेंस इंडेक्स का मतलब क्या था, अभी हमने देखा था कि एक कम्युनिटी में कोई स्पीशीज डोमिनेंस शो कर रही है या नहीं शो कर रही है, इसके बारे में बेसिकली वो बात करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गई और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैंने हाथ बंद करके दो पेड़ को छुआ, रैंडमली मैंने दो पेड़ को यहां पर टच किया, तो इस कंडीशन में वो सेम स्पीशीज के हो, इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसके चांसेस डेफिनेटली बहुत कम होंगे क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती है कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स मिलना बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है।
वहीं अगर मैं बोरियल फॉरेस्ट में गई जो कि कनाडा में है, उसमें मैंने क्या किया, ओनली वन और टू स्पीशीज ऑफ ट्री इज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो उसमें अगर मैंने सेम आंख बंद करके अगर दो पेड़ों को छुआ तो डेफिनेटली से बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरे को सेम स्पीशीज के पेड़ जो है वो वहां पे मिल जाए। तो यहाँ पर सिम्पसन इंडेक्स से हम यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कम्युनिटी को हम देखें और उसमें रेंडमली दो इंडिविजुअल्स को लें तो वो डिफरेंट स्पीशीज से होने के कितने चांसेस हैं, उनके डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने के कितने चांसेस हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास पांच स्पीशीज है, 1 2 3 4 5 स्पीशीज है। पांचों स्पीशीज के आपके इंडिविजुअल्स दिए हैं, इसके हैं 100, इसके हैं 50, इसके हैं 30, इसके हैं 19 और इसके हैं 1। आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही देख के पता चल गया कि यहाँ पर डाइवर्सिटी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, कितना वेरिएंस है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो स्पीशीज वन है वो किस में है, डोमिनेंस में। वो यहाँ पर कैसे है, बहुत ज्यादा नंबर में, और इसमें स्पीशीज रिचनेस बहुत कम है, आई एम सो सॉरी, स्पीशीज इवननेस बहुत कम है। अब इस कंडीशन में आपको किसी ने कहा कि स्पीशीज डाइवर्स, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स फाइंड आउट करके बताओ, तो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को हम डी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर। अब ये क्या होता है, हम इसको समझते हैं। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, सबका एडिशन। यहां पर एन आई का मतलब क्या है, एन आई का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कैपिटल एन का यहां पे मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पीआई का यहां पर मतलब क्या होता है, पीआई का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द स्पीशीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंडिविजुअल वन का फाइंड आउट करना है यहां पर पीआई की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज 100 है डिवाइडेड बाय टोटल से मैं डिवाइड कर दूंगी, कितना आ गया यहां पर 0.5 आ गया। सेकेंड वाले का फाइंड आउट करना है तो 50 को डिवाइड कर दूंगी 200 से, ऐसे ही थर्ड वाले का फाइंड आउट करना है तो 30 को डिवाइड कर दूंगी 200 से, तो पीआई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। पीआई बेसिकली क्या बताता है कि मेरे पास जितने भी इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उसमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होने के कितने प्रपोर्शन है, कितने प्रपोर्शन में इस स्पीशीज के इंडिविजुअल्स इस पूरी कम्युनिटी में प्रेजेंट है। तो इसके 0.5 है, यानी कि अगर 200 की पूरी कम्युनिटी है तो 100 लोग तो इसी के ही है, मतलब 50% तो इसी का ही है। इससे हमने पीआई फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, पीआई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, वेरी इजी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करना है। मेरे को यहां पर सबकी पीआई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सबके आ गए, उसके बाद मैं इन सबका एडिशन कर दूंगी, यानी कि इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, इन सबका समेशन कर दूंगी। जैसे ही मैंने यहां पर इन सबका समेशन कर दिया, मेरे पास यहां पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे पास स्पीशी सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू आ गई। तो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर। पी आई स्क्वायर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, इसकी वैल्यू मोस्टली रेंज करती है 0 से 1 तक के बीच में। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, 0 to 1 से इसकी वैल्यू जो है रेंज करती है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ये जो स्पीशीज है, ये जो कम्युनिटी है, इसमें बहुत ज्यादा डोमिनेंस शो हो रहा है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो 0 आने का मतलब यहां पर क्या है कि ये बहुत कम डोमिनेंस शो करती है, ये बहुत ही कम लेवल पे डोमिनेंस शो करेगी। कहने का मतलब है द हायर द सिम्पसन इंडेक्स डाइवर्सिटी इंडेक्स इज द हायर डोमिनेंस अ कम्युनिटी इज शोइंग। फॉर एग्जांपल यहां पर जो वैल्यू आई है वो आई है सिम्पसन इंडेक्स की 0.34405, तो यहां पर इतनी डोमिनेंस जो है वो ये शो कर रहा है। तो सिम्पसन इंडेक्स जो है वो हमें बेसिकली किसके बारे में बताता है, डोमिनेंस इंडेक्स के बारे में बताता है कि एक कम्युनिटी में डोमिनेंस इंडेक्स कितना है, क्या कोई स्पीशीज डोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये डोमिनेंस इंडेक्स के बारे में बताता है। ये डाइवर्स इंडेक्स हम इससे नहीं समझ सकते, हम इससे क्या समझ सकते हैं, हम इससे यहाँ पर बेसिकली समझ सकते हैं कि कितनी डोमिनेंस है या कितनी यहाँ पर क्या मौजूद है,
कितने ज्यादा डोमिनेंस मौजूद है, या बेसिकली इससे समझ सकते हैं। अब यहां पर बेसिकली तीन टर्म्स आती है। सिम्पसन इंडेक्स आती है, जिसको हमने देख लिया, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। जो सिम्पसन इंडेक्स है वो मुझे किसके बारे में बता रही है, डोमिनेंस के बारे में बता रही है। जितनी ज्यादा डोमिनेंस होगी, यानी कि जितनी ज्यादा सिम्पसन की वैल्यू होगी, उतनी ही कम डाइवर्सिटी होगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर वन वैल्यू आ गई सिम्पसन इंडेक्स की, यानी कि इसका मतलब है कि डोमिनेंस जो है वो बहुत ज्यादा है और डाइवर्सिटी कम है। ऐसे ही यहां पर एक और चीज आती है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। यहां पर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होता है। ये जो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी को आप कैलकुलेट करते हो 1 - DS से। यानी कि आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1 - D करोगे। समझो, यहां पर मैंने आपको बोला कि यहां पर सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू थी 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1, यानी कि डी कितना हो गया, 1 हो गया। तो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी DS। लिख लेती हूँ, समझो मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 - D। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 - इसकी वैल्यू थी 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई 0। ये क्या बताती है, डाइवर्सिटी। यानी कि इस कंडीशन में हमें कोई डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे ही समझो, अगर इसकी वैल्यू 0.1 होती, फॉर एग्जाम्पल सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू 0.1 होती, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1 - 0.1, यानी कि 0.9। यानी कि इस कंडीशन में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू भी 0 - 1 रेंज करती है, लेकिन द हायर द वैल्यू ऑफ सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, द हायर डाइवर्सिटी विल बी, बिकॉज इट इज बेसिकली व्हाट, 1 - D, 1 - सिम्पसन इंडेक्स। ऐसे एक और टर्म आती है सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स। इसमें आप 1 / D करते हैं, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डाइवर्सिटी के। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं आप, यहां पर देख भी सकते हो, यहां पर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यहां पर जो सिम्पसन डी है वो 0 - 1 रेंज करता है। 0 का मतलब है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। 1 का मतलब है कि कोई डाइवर्सिटी नहीं है, डोमिनेंस है। सो द लार्जर द डी, लोअर विल बी द डाइवर्सिटी। वहीं अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर समझे सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स को, तो वो होता है 1 / D। वो यहां पर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 / D। ये हमें क्या बताता है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स इज 1 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज। इसकी लोएस्ट वैल्यू होती है 1 और हाइएस्ट वैल्यू होती है, जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उतनी इसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। समझो हम यहाँ पर सिम्पसन क्या देख रहे हैं, सिम्पसन के बारे में देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिम्पसन के बारे में 3 कम्युनिटीज ली और 3 कम्युनिटीज के बारे में मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। एक कम्युनिटी में मैंने बोला 0.1 यहाँ पर है, एक कम्युनिटी में मैंने इसकी वैल्यू बोली 0.7 है, और एक कम्युनिटी में मैंने इसकी बोली 0.9 वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू ली है, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू ली है। अब यहां से मैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 0.1, 1 - 0.7 एंड 1 - 0.9। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.9, इसमें आएगी 0.3 और इसमें आएगी यहाँ पर 0.1 यहाँ पे आएगी। तो किसमें डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, इस कंडीशन में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो यहां पर सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है। और वहीं यहां पर इस कंडीशन में जो होगा वो डोमिनेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सिम्पसन इंडेक्स इस कंडीशन में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इन तीन चीजों को देख सकते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर सिम्पसन इंडेक्स, एक होता है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, एक होता है सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और फॉर्मूला भी होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन, एन माइनस वन।
आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब आपके पास बहुत कम नंबर ऑफ स्पीशीज है, बहुत कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। इसमें भी आपको समेशन करना है इस यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इतने सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो इस कंडीशन में अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे? डी इज इक्वल्स टू 100, 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पर कितना है? टोटल यहाँ पर है 200, 200 प्लस सॉरी 200 माइनस 1। फिर आप यहाँ पे प्लस करोगे, नेक्स्ट स्पीशीज को लिखोगे 50, 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200, 200 माइनस 1। ऐसे आपको सारी स्पीशीज के लिए करना पड़ेगा, जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे सबके लिए करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास सिम्पसन इंडेक्स आएगा। तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है और ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि इट्स ईजियर, जल्दी इसमें से आंसर भी निकल जाते हैं। लेकिन ये वाले भी यूज किए जाते हैं, बट ये छोटी वैल्यूज के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा हो जाए, जैसे कि CSIR ने June 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें डायरेक्टली यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कम्युनिटी डाइवर्स होगी, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं उतनी ज्यादा कम्युनिटी इवननेस शो करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इवन उतना डाइवर्स होता है। अब यहां पर अगर हम देखें, बी वाली सबसे ज्यादा डाइवर्स होगी, उसके बाद ए वाली होगी, उसके बाद डी वाली होगी और उसके बाद सी वाली होगी। तो यहां पर डाइवर्सिटी के बारे में, बी वाली सबसे ज्यादा है, फिर ए है, फिर डी है और फिर सी है। तो यहां पर डायरेक्टली आपसे सिर्फ यही बात पूछी गई थी, इवननेस के बारे में आपसे पूछा गया, तो यहां पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। ऐसे ही अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें, CSIR ने एक और क्वेश्चन पूछा है, यहां पर भी सेम आपसे डाइवर्सिटी के बारे में कमेंट करने को बोला है। आपको यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए हैं। अब यहां पर आप देखो, P वाले में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है 59, 12, 44, 20, 11, 2, मतलब कहां 2 और कहां 59, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी कि ये स्पीशीज रिचनेस, आई एम सो सॉरी, स्पीशीज इवननेस नहीं दिखा रहा है, ये डाइवर्सिटी नहीं दिखा रहा है। इसमें देखें तो 21, 20, 23, 12, 19, 14, 1, काफी डिफरेंस है इसमें भी, लेकिन इसके कंपैरेटिवली तो कमी है। तो इस कंडीशन में मैं इसलिए बोल सकती हूं कि यहां पर जो हमारा क्यू वाला है वो कंपेयर टू पी ज्यादा डाइवर्स है, तो यहां पर इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो ये 2015 में CSIR के द्वारा पूछा गया था। इसमें आपको डायरेक्टली सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालना है। यहां पर आपको सारे इंडिविजुअल्स दिए हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? पहले तो आपको n बाय n निकालना होगा, फिर आपको PI निकालना होगा, फिर आपको PI स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद आपको PI स्क्वायर का समेशन करना होगा, उसके बाद आपके पास आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? n बाय n निकालना है, यानी कि हमें p की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n बाय n ही यहां पर PI की वैल्यू होती है। तो यहां पर हमें PI की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से डिवाइड करके। एक बार PI की वैल्यू आ गई तो उसे फिर स्क्वायर कर लेंगे, तो सबकी वैल्यू, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? 100 है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज वन में 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100, PI कितना हो गया? 0.5। ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, पॉइंट मतलब 5 को डिवाइडेड बाय 100 कर दो, इससे आपके पास PI वैल्यू आ गई। फिर PI वैल्यू क्या? स्क्वायर कर दो और उन सबका यहाँ पर एडिशन कर दो, समेशन कर दो, जिसकी वजह से आपके पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.335, और यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर सिम्पसन इंडेक्स के बारे में था स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या होता है सिम्पसन इंडेक्स, और उसमें जो तीन चीजें हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना चाहते हो तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।